Good morning, dear student. I welcome you all on this platform, online learning. Today we are discussing the lesson Fun They Had. Class 9 के लिए ये है और first chapter है. मैंने इसको पहले discuss किया था. ये story जो है, ये future के लिए set है. मतलब हर story जो होती है अक्सर past में होती है. एक राजा था जंगल में, या जो भी है उसका राजपाट इतना बड़ा हुआ करता था. पर ये स्टोरी आने वाले कल की है. मतलब आप इसमें देखते हैं कि 2157 जो अभी आया नहीं है, अभी तो 2057 में नहीं आया. उस वक्त जो है वो शिक्षा का माहौल कैसा रहेगा, उस वक्त किस तरह से पढ़ाई होगी क्लासरूम्स के अंदर, किस प्रकार की किताबें रहेगी और किस प्रकार का माहौल रहेगा, स्टूडेंट्स कैसे रहेंगे, पेरेंट्स क्या करने के लिए बोलेंगे बच्चों को, टीचर कैसे काम लेंगे, रोबोटिक टीचर होगा. और इसमें एक फनी सी चीज बताई है कि टीचर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, खराब हो जाता है. मतलब रोबोट रहता है, खराब हो जाता है, तो वो क्या बहुत ज्यादा होमवर्क देने लग जाता है. तो उसकी मदर को कंप्लेन करता है, तो स्टूडेंट मदर को कंप्लेन करता है, तो मदर जो होती है वो क्या करती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है इंस्पेक्शन के लिए, उसको कैसे ठीक किया जाए, कैसा क्या. इट्स वेरी नाइस स्टोरी भविष्य को लेकर. हमने पढ़ लिया था यहां तक, हमने पढ़ा था कि मार्गी उसके ग्रैंडफादर एक बार उससे बोले कि जब वो बहुत ही छोटे बच्चे थे तब क्या हुआ था, तब उसके दादा उनके दादाजी ने मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बोला था कि एक बार जो है told him that there was a time when all stories were printed on papers. ये बात हो रही है, ये ध्यान रखिएगा, ये बात जो है आज की नहीं है, ये आने वाले कल की है. डेट इसमें 17 मई, ये 2157 की बात है, ठीक है. तब क्या है, मार्की बात करती है कि एक बार उसके दादाजी ने उससे कहा था कि उसके दादाजी कौन सी किताबों से पढ़े थे, मतलब मार्की के दादाजी के जो दादाजी हैं वो प्रिंटेड पेपर से पढ़े थे, प्रिंटेड स्टोरीज से पढ़े थे. मतलब इतना मॉडर्न टाइम आ जाएगा कि रोबोट पढ़ाएगा क्लासरूम के अंदर, कंप्यूटर से सारा काम होगा, घर में बैठे ऑनलाइन लेक्चर शुरू हो जाएंगे, और कहीं कहीं शुरुआत हो ही चुकी है. आप अपने घरों में बैठे हैं, सुरक्षित बैठे हैं, और यहां से ऑनलाइन क्लास चल रही है. मतलब ये उस स्टेप की शुरुआत है. दे टर्न द पेजेस, और वो क्या करते थे, पेजेस को टर्न किया करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली. और वो पेपर्स कैसे हुआ करते थे, बहुत सारे फोल्ड्स थे उस पे और काफी येलो हुआ करते थे. एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स That stood still instead of moving. और काफी फनी लगता था उनको. क्यों फनी लगता था, क्योंकि पेपर पे क्या होता है, जैसे ये सिंपल पेपर है तो इसमें ये वर्ड्स जो हैं, ये एक ही जगह है, इनको मूव नहीं किया जा सकता. मैं सोचू इस वायर को उठा के यहां रखू तो ये पॉसिबल नहीं है. पर इट इज पॉसिबल ऑन अ स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, टीवी पर ये आगे पीछे होते रहते हैं, न्यूज वगैरह आती है इंग्लिश में, तब भी अक्सर ये चीजें होती रहती है. Is it clear for all? तो ये उनके लिए कहा गया है कि काफी अलग सा फील होता था उनको. And that still instead of moving, supposed to on a screen, you know, then and then when they turned back to page before, it had the same word on it that it had when they read it the first time. तब उनको क्या करना पड़ता था, उन्हें first time पढ़ना पड़ता था, तो उन्हें क्या करता था, पेज को टर्न करना पड़ता था. ऐसा नहीं कि स्क्रीन को स्क्रॉल करके ऊपर नीचे कर उन्हें देखा जा सकता था. अब गी, यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है, गी सेड टॉमी. टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितना समय बर्बाद होता था, व्हेन यू वर दो विद द बुक. उस वक्त कितना समय बर्बाद होता था होगा, पेज टर्न करने में, किताब देखने में, या काफी ज्यादा समय बर्बाद होता था होगा. यू जस्ट थ्रू इट अवे, तुम तो एक काम करो, इस किताब को कहीं फेंक दो,
और उसको जो किताब मिली थी घर के कहीं कोने से मिली थी, क्योंकि आने वाली सेंचुरीज में हो सकता हो ऐसा हो कि कहीं प्रिंटेड बुक मिल जाए तो बच्चे आश्चर्यचकित हो जाएं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे जिन जो अभी जन्म हो रहा है जिनका वो टेलीफोन देखकर बोलते हैं कि ये क्या है, या पुराने जमाने के टेलीफोन जो अक्सर आप फिल्मों में देखते हैं वन भिज्ञे इन चीजों से, ठीक है, तो वो भी किताबें देखेंगे तो वो ऐसे ही एक्सप्रेशन देंगे. You just threw it away, and I guess our television screen must have had a million books on it. और टीवी की जो स्क्रीन है उस पे तो एक ही स्क्रीन पे मिलियंस लाखों की संख्या में किताबें आ सकती है. जस्ट आप क्लिक करते जाइए किताबें बदलती जाएंगी, एक ही स्क्रीन पे वर्ड बदलते जाएंगे, पर पेज पे ऐसा नहीं होता है. अगर किसी पेज पर एक वर्ड है तो आगे पीछे नहीं हो सकता है और ना ही वो गायब हो सकता है. और इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, आई वुड नॉट थ्रो इट अवे. ये तो काफी अच्छा है, मैं इसे फेंकूंगी नहीं, ये मेरे लिए ज्यादा अच्छा है. सेम विद माइन सेड मार्गी, शी वॉज 11 हैड सीन मेनी बुक्स टेली बुक्स. और मार्गी जो थी वो 11 साल की थी और उसने काफी टेली बुक्स देखी थी. टेली बुक्स का मतलब ये होता है कि कुछ किताबें जो टेली स्क्रीन पे अवेलेबल हो, लैपटॉप पे अवेलेबल हो, कंप्यूटर पे अवेलेबल हो, इंटरनेट पे अवेलेबल हो. टॉमी हैड ही वॉज 13. जब उसके पास में 13 साल की थी तब उसके पास में ये सारी चीजें हुआ करती थी, ठीक है. तो समय आप देख सकते हैं कि पहले और अब में कितना बदलाव हो चुका था इसमें. क्लियर है. शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें किताब मिली कहां से. कौन बोलती है? मार्गी बोलती है टॉमी को, तुमने किताब ढूंढी कहां से, आजकल तो ये बड़ा मुश्किल है. तो वो बोलता है ना, माय हाउस, मेरे घर में. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, बिना बोले इंडिकेशन के वो बोलता है, बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग इन द एटिक. एटिक मतलब वो एटिक एक जगह होती है, आपने भी देखा होगा कि घर होते हैं तो थोड़ा छत से थोड़ा नीचे एक जगह रखते हैं जिसमें सामान वगैरह रखा जाता है, जिसे टांग की पट्टी भी कहा जाता है, उस पर कुछ चीजें रखी रहती है. तो ये किताब उनको भी इस जगह से मिली. और व्हाट्स व्हाट्स इट अबाउट, और इसके बारे में अब क्या. स्कूल, मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. स्कूल स्कूल मतलब बहुत बेकार सा एक शब्द उसे सुनाई दिया स्कूल, क्योंकि वो पहले स्कूल को नापसंद करती थी. वॉट इज देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में क्या लिखने को है. आई हेट स्कूल, मैं तो स्कूल से बहुत ही नफरत करती हूँ, क्योंकि वहां पढ़ाई करनी पड़ती है, टीचर की बातें माननी पड़ती है. तो आप सबको भी स्कूल थोड़ा कम ही पसंद आता हो, पर चूंकि कंपल्सन है, मजबूरी है सबकी, शिक्षित होके सबको आगे बढ़ना है, पेरेंट्स के ड्रीम्स को कंप्लीट करना है, इस वजह से क्या स्कूल सबको जाना ही रहता है. मार्गी वॉज स्कॉर्न फुल. स्कूल, वॉट इज देयर टू राइट अबाउट द स्कूल, आई हैड स्कूल. मार्गी ऑलवेज हेटेड द स्कूल, मार्गी को हमेशा शुरू से स्कूल बिल्कुल ही पसंद नहीं था. बट नाउ शी हेटेड मोर देन एवर, अब वो और ज्यादा नफरत करने लग गई पहले से भी ज्यादा. क्यों? उसका कारण है कि द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट. मैकेनिकल टीचर मतलब जो रोबोट है उसको क्लास में पढ़ाता है, मान लो स्कूल है भी सही तो वहां एक रोबोट पढ़ा रहा है. अब वो उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इशू आ गया या हार्डवेयर का कोई इशू आ गया उसमें, तो वो क्या कर रहा है, टेस्ट रिपीटेड. जैसे आप भी काफी सरप्राइज हो जाएंगे अगर आपको अभी टेस्ट दे दिया जाए, फिर एक और टेस्ट दे दी जाए, फिर एक और टेस्ट दे दिया जाए, तो आप परेशान हो जाएंगे. तो मार्गी की भी सेम यही प्रॉब्लम थी कि टेस्ट के बाद उसको टेस्ट मिल रहे थे जो कि उसके लिए सही नहीं थे. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सोरोफुली एंड सेंट टू द काउंट इंस्पेक्टर. और उसकी माँ जो है काफी परेशान हो गई थी इस बात को लेके कि इतने ज्यादा टेस्ट नहीं होने चाहिए एक ही सब्जेक्ट को लेकर, एक दिन में 10 10 12 या 15 टेस्ट हो जाए एक ही सब्जेक्ट के तो बच्चे परेशान हो जाएंगे. ऑफकोर्स वैसे आप लोगों को तो एक ही टेस्ट परेशान कर देता है, इसलिए ध्यान रखिए. ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद
डायल एंड वायर्स, अब वो जो चीजें लेके आता है उसके पास में काफी डायल्स रहते हैं, काफी वायर्स रहते हैं, क्योंकि वो रिपेयर करने वाला रहता है। ही स्माइल्ड एट मार्गी, मार्गी को देखकर वो क्या करता है, स्माइल करता है, गेव हर एन एप्पल और उसको एक सेवन देता है। तो यही मैं फुल स्टॉप करता हूँ इसको, और इस स्टोरी को बहुत अच्छे से पढ़ना है आपको घर पर, ताकि क्या होगा आपका भी अच्छे से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और आपको मैंने पीडीएफ भेजी है, उसको स्टडी करिए, काफ़ी अच्छे से उसको पढ़िए और अच्छे से घर पर सुरक्षित रहिए। मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और समरी को भी आपको भेजूंगा। आपको नोटबुक जब बनानी है तब क्या करना है, पहले वर्ड मीनिंग लिखना है। वर्ड मीनिंग लिखने के बाद में मान लो 10-15 वर्ड मीनिंग लिख लिए, उसके बाद में क्वेश्चन आंसर शुरू करने हैं, और लास्ट में आपको अबाउट द ऑथर सर्च करके लिखना है इंटरनेट से। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, हैव अ ग्रेट डे।